मैं दिखाता हूँ कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर से -1, -2 या -3 के लिए पार्किंग के लिए कैसे जाते हैं। तो यह भी आप देख रहे हो, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ये -1 में जाने का स्लोप बनाया हुआ है, इससे होकर के हम लोग अभी -1 पे जाएंगे। तो अभी देखो हमारी गाड़ी जो है स्लोप पे चल रही है और -1 पे अभी हम लोग -1 के फ्लोर जो है, देखो ये -1 पे हम लोग आ गए। यहाँ पे गार्ड भैया हैं जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। तो आप देखो हम लोग ग्राउंड फ्लोर से -1 पे कैसे आए। अभी हम लोग -2 पे जाने के लिए जो यहाँ पे ट्रैफिक लॉ बना हुआ है उस लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हर जगह देख सकते हो आप, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप सीधे जाएं या फिर लेफ़्ट जाना है या फिर आपको राइट जाना है, वो टोटल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है ताकि आपको इसको फॉलो करके जाना है। आप देख सकते हो कि इस पार्किंग में कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्किंग हो रखी है। अगर यहाँ पे ड्राइवर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको हर जगह इंस्ट्रक्शन, देखो अभी हम लोग -1 से -2 की तरफ जा रहे हैं, ये जो स्लोप बना हुआ है ये स्लोप -2 की तरफ लेके जाएगा हमें, -2 के फ्लोर पर। अभी हम लोग -2 के फ्लोर पे आ गए और अब देखो यहाँ पे हर जगह किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ताकि आपको जाने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो पार्किंग होती है लगभग 1500 के आसपास में हमेशा व्हीकल खड़ी होती है। तो अब सोच लो कि अगर ये लोग ट्रैफिक लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कितना ज़्यादा होगा। तो इसी एक्सीडेंट को बचने के लिए यहाँ पे क्या है कि सभी के लिए अपना अपना एक लेन बनाया हुआ होता है कि किस कंपनी की गाड़ी है वो किस लेन से होकर निकलेगी, या फिर जो बड़े बड़े आप सोसाइटी देखते हो या फिर अपार्टमेंट्स देखते हो तो वो सारे जगह में इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ होता है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आराम से आएगी, पार्किंग होगी और वो लेके चले जाएंगे, उन्हें किसी तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांसेस नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे सारे तरह प्रॉपर प्री डिज़ाइन होता है कि आपको इसी को फॉलो करना है, फिर उसके हिसाब से आप आराम से अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होता। अभी देखो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग क्या है कि गाड़ी से बाहर निकलेंगे और अपने वॉक को जाएंगे। अभी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाता हूँ कि देखो ग्राउंड फ्लोर -2 से ग्राउंड फ्लोर तक कैसे जाएंगे। अभी हमारी गाड़ी जो है वो -2 में है और ग्राउंड फ्लोर की ओर धीरे धीरे निकल पड़ी है। तो अब देखो यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन क्या हुआ है, ये आप पिलर जो देख रहे हो इसमें रेडियन लगाया हुआ है ताकि जब इस पर लाइट पड़े तो चमके, जिससे क्या हो कि जो ड्राइवर हैं उन्हें पता चले कि हमारा ये लेन है, इस लेन से होके निकलना है। और साथ में ये भी दिखाई दे कि ये पिलर है, इससे बच के चलना है। तो ये रेडियन लगाने का 2 वजह होता है कि पहले तो ये इंडिकेट करे कि यहाँ पर पिलर है, फिर वो लेन को भी यहाँ पे शो करता है। देखो एग्जिट का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो काफ़ी सारी यहाँ पे फैसिलिटी होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, डिज़ाइन होता है कि जब कितनी भी ज़्यादा पार्किंग यहाँ पे गाड़ियाँ हों तो उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अभी देखो हम लोग -1 की ओर अभी चढ़ रहे हैं इस स्लोप से होकर के, तो अभी हम लोग -1 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरह से मिरर लगा हुआ है ताकि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, लेफ्ट राइट से आ रही वो दिखाई दे। अभी -1 के छत पे हैं, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर के तरफ जाने के लिए जो उस तरफ निकल पड़े हैं यहाँ से। तो सारा डिज़ाइन क्या देख सकते हो कि अब कितना प्रॉपर मैनर में डिज़ाइन है ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो। गार्ड भैया भी हैं ताकि सिक्योरिटी भी साथ साथ, और देखो अभी हम लोग -1 से ग्राउंड फ्लोर की तरफ निकल रहे हैं। तो देखो अभी रात का टाइम है, यहाँ पे गाड़ी निकली, गार्ड भैया थे देखे और गेट खुल गई, हम लोग बाहर की तरफ निकल गए हैं। तो अभी फॉग लगा हुआ है बाहर में क्योंकि ठंड का टाइम है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सारे जगह स्ट्रीट लाइट भी लगे हुए हैं ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। अभी हल्की सी बारिश हुई थी जिसके वजह से आपको हल्की हल्की यहाँ पे पानी भी लगा हुआ रोड पे दिख रहा है। तो देखो अभी हम लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके आप हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।